अस्सलाम वालेकुम, रावे के किचन में आप सबको खुशामदीद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बनाएंगे हमारे घर का एकदम फेवरेट चिकन का सालन, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो चलते बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ली हूँ मैं 1.25 किलो चिकन हड्डी के साथ। आप लोग भी इसी तरह लेना, हड्डी के साथ लेने से थोड़ा सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चिकन मैरिनेशन कर लेंगे। यहाँ पर है 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, कम से कम 12 से 13 लहसुन की कलियाँ, 5 हरी मिर्च और 2 छोटे टमाटर, सभी को मैंने अच्छे से पीस दी हूँ। तो ये डाल देंगे सबसे पहले चिकन में। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल देना। सभी मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से सभी मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब चलते हैं थोड़े गरम मसाले रोस्ट करने की तरफ। यहाँ पर लेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। यहाँ पे 15 से 20 लेंगे काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच लेंगे जीरा, 1/2 छोटा चम्मच लेंगे शाही जीरा, 2 टुकड़े लेंगे दालचीनी के, 6 इलायची लेंगे छोटी, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग। अब ये सभी खड़े गरम मसालों को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ लेंगे 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू और 2 चम्मच लेंगे अक्खी धनिया। इसको भी गरम मसालों के साथ रोस्ट कर लेंगे। अब सभी गरम मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और साथ ही में डालेंगे काजू, बादाम, अक्खी धनिया। बादाम, काजू, गरम मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो इसी तरह से हल्के से रोस्ट कर लेना, ज़्यादा जलाना नहीं मसाले को। तो अब इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद बारीक फाइन पाउडर पीस लेंगे। अब ठंडा होने के बाद मैं इसका एक पाउडर बना लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से पाउडर पूरा बना लेंगे गरम मसाला और काजू बादाम का। तो अब चलते हैं चिकन बघारने की तरफ। सबसे पहले लेंगे 1 बड़ा टोप, उसमें डाल देंगे 100 ग्राम तेल। अगर घी में बनाना चाहते हैं तो आप लोग घी आधा तेल आधा भी डाल के बना सकते हैं। तेल गर्म होते ही डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। तीन से चार मिनट तक चिकन को अच्छे से भुनेंगे तेल में, मसालों के साथ चिकन को 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है, तरी भी अच्छे से निकल गई है। अब इसमें डालेंगे हम लोग 100 ग्राम दही। दही को थोड़ा फेंट के डालेंगे, दही के साथ भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा दही का कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ पर हमारे दही का पानी भी अच्छे से सूख चुका है और तरी भी अच्छी निकल गई है, चिकन आधा हमारा अच्छे से गल भी चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम लोग काजू, बादाम और गरम मसाले का पाउडर, 2 प्याज का बरिस्ता। सभी मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से सब खड़े गरम मसाले अच्छे से रोस्ट करके डालेंगे तो इसका बहुत ही मज़ा अलग आता है, इसलिए आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही, घर के पीसे हुए मसालों की जो खुशबू है बहुत ही उभर के आती है, इसलिए इसी तरह से आप लोग एक बार इसको ज़रूर बनाना। मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है चिकन में। अब ये थोड़ा मसाले का पानी है, ये भी डाल देंगे इसमें। अगर इसमें आपको थोड़ा पानी मिलाना है तो और पानी इसमें मिला सकते हैं आप लोग। और इसको स्लो पे 3 से 4 मिनट तक ढककर पका लेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन की ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। तो अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी कोथमीर। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब इसके बाद तो मैं खाने जाऊंगी, मेरे को भी बहुत दिल ललचा रहा है इसमें। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो कोई और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोग मुझे दुआ में याद रखना। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।